हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सोमवार का ये व्लॉग है। सुबह से ही मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह 6 बजे हैं और सबसे पहले मैं लाइट जला के, मंदिर की लाइट जला के हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान जी को, और बाहर का दरवाज़ा भी मैं खोल देती हूँ। एकदम सूरज की रोशनी आती है और हमारे ना जैसे सूरज जहाँ से उगता है वो मेरे घर के सामने ही है, तो एकदम सूरज उगता है ना तो सामने से ही आता है तो अच्छा होता है। इसके बाद सुबह की पहली झाड़ू जो मैं हमेशा से ही निकालती हूँ, ताकि अगर मुझे सफाई करने में देर हो जाए तो मेरी जो सुबह की पहली बासी झाड़ू होती है वो निकल जाए। किचन में भी लगा दी थी, ड्राइंग रूम में, और मेनली मैं किचन और ड्राइंग रूम और गैलरी में ही लगाती हूँ। अंदर तो सब सोए हुए होते हैं। हाँ, एक रूम में भी लगा देती हूँ, बट पीछे वाले रूम में मैं नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि उसमें बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं। मेनली बाती झाड़ू ये होती है, फटाफट वाली लगा दी है। फिर जो आप डीपली वाली क्लीनिंग है ना, जब मैं करती हूँ फिर दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ, ऐसा नहीं है यही वाली झाड़ू से ही हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है, इधर उधर वो घूमते रहते हैं, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे झाड़ू मैं, ये मेरा डेली का रूटीन है यही जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए, यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स मैं लेकर आई थी, आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी आपको। तो ये मैं पीहू के लिए लेके आई थी, ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे, क्योंकि क्या होता था ना, मेरे को फ्रूट लंच बॉक्स के लिए अलग बॉक्स डब्बी लेनी पड़ती थी, और अगर बिस्किट देने थे तो वो अलग से मेरे को रैपर में देने पड़ते थे। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया था, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, बट ये मैंने ऑफलाइन लिया है। ऑनलाइन मैंने काफ़ी सर्च करे थे बट कॉस्टली बहुत था, 950 का था ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया था, और ये भी 800 समथिंग 750 ऐसी कुछ था, बट ये ऑफलाइन मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिले थे। बट ये वाला जो टिफ़िन है ना, ये मैं एक्सचेंज कर आई हूँ, मुझे ये पसंद नहीं आया था, क्योंकि इसमें तीन ही कंपार्टमेंट थे, और तीन कंपार्टमेंट की ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं थी, बट ये था कि इसमें सब्जी रखने का कोई भी कंटेनर अलग से नहीं दिया गया था, तो बस इसीलिए ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया। बाय द वे, मैं एक्सचेंज कराई हूँ, इसकी भी शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे है तो आप लोग देख सकते हो। तो आज बच्चों को मैं ना ये वाले लंच में फ़र्स्ट टाइम लंच दे रही हूँ, तो बच्चों ने कल ही बोल दिया था कि मम्मी हम मैक्रोनी लेके जाएंगे, तो आधी तैयारी मैंने रात को ही कर ली थी मैक्रोनी की। तो बस यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने देसी घी डाल दिया था 2 चम्मच, मेयोनीज डाली थी, केचप डाली थी, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाली थी, और शेज़वान चिली चटनी डाली थी, जिसका टेस्ट एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और बिना प्याज टमाटर के ये बहुत जल्दी आपकी मैक्रोनी बनके रेडी हो जाती है। और जो मैक्रोनी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो 100% सूजी से बनी हुई है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को बैड कमेंट मत करना, और बहुत ही ज़्यादा बैड कमेंट आते हैं कि मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ अभी। आप लोग अगर चाहें तो मेरी शॉर्ट वीडियो पे जाके देख सकते हो, एक तो ये वाली शॉर्ट वीडियो जो ये पिज़्ज़ा ये मैक्रोनी वाली है, इस पर मतलब इतना गंदा कमेंट आया ना, आई डोंट लाइक, मतलब छोड़िए। चलिए, लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, अगर चाहे अपना, मतलब छोड़िए, मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस बारे में। करिए आप मुझे बैड कमेंट, आई डोंट लाइक, आई डोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करती हूँ, बट हाँ बुरा लगता है थोड़ा सा, बट ठीक है, चलिए छोड़िए। तो यहाँ पे बच्चों का फर्स्ट टाइम मैं ये वाला लंच में मैक्रोनी दिए ना, और बच्चे जब बोल देना मम्मी ये देना है तो फिर मन कर जाता है उनको देने का, और ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें आप लोग खाते नहीं हो, खाते हो, ऐसी चीज़ें बहुत खाते हैं लोग, मोमोज आ जाते हैं तो कच्ची मैदा खाते हैं, एटलीस्ट ये बॉयल करी हुई पकी हुई तो है, छोड़िए। तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट में मैंने मैक्रोनी दे दी थी, हेल्थ के लिए मैंने बादाम रख दिए थे और एक फ्रूट केक रखा था जो सिर्फ 5 रुपीज़ का था, और बच्चों को खाने में अच्छा भी लगता है। तो ये फ्रूट लंच ब्रेक के लिए आज मैंने बनाना दिया है, तो बनाना इसमें कंपार्टमेंट में लंच बॉक्स में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने दिया था। और ये वाला लंच बॉक्स मैंने कर तो दिया था रेडी, बट मैं ये दिया नहीं था क्योंकि वही मुझे एकदम दिमाग में आया कि इसको चेंज कर देते हैं, तो ये वाला जो मैंने लंच बॉक्स से पैक कर लिया था, फिर मैंने इसको धोकर रख दिया कि मैं ये नहीं रखूँगी, मैं चेंज कर कर आऊँगी। चलिए, तो ये था आज का बच्चों का लंच, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और इसकी जो शॉर्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी पसंद है ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग। तो बस यहाँ पे लंच बन गया था मेरा, मैं आ गई थी दोनों बच्चों को उठाने, पीयू तो अपने आप उठ जाती है, रियांश भी उठ जाता है, आजकल तो रियांश को ये चस्का लगा रहता है कि मम्मी मैं खुद नहाऊंगा, क्योंकि पीयू खुद नहाती है ना तो उसको ये लगता है मैं भी खुद नहाऊंगा, तो बच्चों की नींद एकदम खुलती नहीं है, कभी लेटते हैं इधर लेटते हैं, तो बच्चों का ऐसा ही है।
रात को जितनी ही जल्दी मैं सुला दूँ, लेकिन 12 बज ही जाते हैं सोते सोते। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बेड मैंने लगाते हैं हम पीयू के लिए, उसको उठा के रख दूँगी। साथ साथ ये काम करती रहती हूँ ना, तो मेरी जो क्लीनिंग है वो जल्दी हो जाती है, और बाद में जब बच्चे चले जाते हैं तो घर की साफ़ सफ़ाई फटाफट हो जाती है। तो बस यहाँ पे रियांश थोड़ा सा शाय है, मम्मी आप मेरी ऐसे वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा नहीं बनाऊँगी, तो बस कपड़े पहनाते हुए मैंने उसकी वीडियो बनाई है। बड़ा वो नॉटी है, कहते हैं नहीं मेरी वीडियो मत बनाओ, ये है वो है। तो बच्चे होते हैं ना शाय होते हैं, शर्माते हैं छोटे थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ पे रियांश रेडी हो गया था, बस थोड़ा सा रियांश को रेडी करना पड़ता है और पीहू के सिर्फ बाल वगैरह बनाने पड़ते हैं। अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, बट ये भी बहुत शैतान है दोनों ही। जब बहुत छोटे थे ना तो बहुत मतलब मज़ा आता था इनके साथ, इनकी बातें सुनने में, इनसे बातें करने में। अभी भी अच्छे हैं बट अभी ये मैच्योर होने लगे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। छोटे लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो चलिए देखिए, साथ के साथ मैंने ये वाला जो रूम है ना क्लीन कर दिया है, ताकि जब मैं बाद में सफाई करूँ, और आज सोमवार है तो मुझे मंदिर भी जाना है, तो बस मंदिर फटाफट ना मेरा लहता है कि मेरा एक आदत है, मैं यहाँ से उठाती हूँ कोई सामान पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, तो मैं सोचती हूँ बाहर जा ही रही हूँ तो ये सामान बाहर का है तो ये मैं बाहर जा कर रख देती हूँ। तो मेरा रहता है, मैं इधर से चलती हूँ तो इधर उठा लेती हूँ, कुछ उधर जाती हूँ तो उधर। तो यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, और ये देखो पीयू ने बेल्ट नहीं लगाई दूसरी, फिर मैंने उसकी फटाफट बेल्ट लगाई, क्योंकि पीयू के पापा नीचे उतर गए थे, फिर देर ना हो जाए इसलिए मैंने फटाफट पीयू की बेल्ट में लगाने में हेल्प करी। खुद रेडी हो जाती है, कई बार होता है। तो बस दोनों बच्चे चले गए थे, इसके बाद सारी सफाई आपको पता ही, डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही थी साथ साथ। तो इसके बाद अंदर दोनों रूम की ही मैंने बेडशीट क्लीन कर दी थी, झाड़ दी थी, झाड़ पोछ कर दी थी, क्लीनिंग कर दी थी, डस्टिंग कर दी थी, फिर मैंने झाड़ू फटाफट निकाल ली थी। और एक एक मतलब इतनी मतलब आप पीछे से लेके मेरे बाहर बरांडे तक सफाई करते करते मुझे मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी भी करूँ ना तो भी आधा पौना घंटा लगता ही लगता है, लगता ही है यार, बहुत लगता है टाइम सफाई करने में। तो बस यहाँ पे मेरा मैजिक मोप भी ख़राब हो गया था, और इस मैजिक मोप के चक्कर में ही बच्चों के दोनों लंच टिफ़िन आए हैं। मैं तो सोच रही थी कि दोनों के ही जो लंच है वो मैं राखी के उस पे लेकर आऊँगी, कि दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे देंगे, बट अभी आ गए तो फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं। वैसे मेरे को लाने जब ही थे, मेरा ऐसा रहता है कि राखी होती है ना बच्चों की, तो बच्चों को लगता ही है कि गिफ्ट मिलेंगे, मेरे को लानी थी चीज़, लेकिन चलिए छोड़िए राखी आई गई है, राखी वाले महीने में दिया भाई, राखी का ही मान लेंगे। बच्चे बड़े नोटी होते हैं, कुछ ना कुछ उनको चाहिए, देखेंगे क्या लेके आएंगे राखी के पर्पस से भी। तो बस यहाँ पे साफ़ सफ़ाई मेरी हो गई है, अच्छे से झाड़ू पोछा कर लिया था, यहाँ पे डस्टिंग भी करी थी, तो वो मैंने दिखाई नहीं है ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है मेरा व्लॉग्स जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मेरी डस्टिंग और क्लीनिंग चलती रहती है। तो चलिए यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, और सूट पहन लिया है मैंने, मेरा ना साड़ी पहनने का बहुत मन करता है, बट मैं कम अनकंफर्टेबल फील करती हूँ साड़ी में, मेरा मन बहुत करता है बट मैं पहन नहीं पाती हूँ, टाइम बहुत लगता है। और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी पहनी है तो बस कोई काम नहीं करूँ मैं, बस मैं सज धज के बैठी रहूँ, मेरा ऐसा मन करता है साड़ी पहन के सच में। तो चलिए यहाँ पे बाल मैंने धोए थे क्योंकि आज मंदिर जाना है, तो यहाँ पे बाल सूख गए हैं, और बाल इतने प्यारे हो जाते हैं ना धो के, लेकिन बाद में फिर वही पसीनों में ये बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत मेरा तो टॉप फ्लोर है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लगती है। तो यहाँ पे बस बाल मैंने कॉम कर लिए हैं, थोड़े से सूख भी गए थे, और जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, अभी थोड़े छोटे हो गए, मैं हर साल कटवा लेती हूँ, फिर सोचती हूँ मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे, अब की बार ना मैं कटवाऊँगी नहीं, मतलब खुद काट लूँगी बट कटवाऊँगी नहीं। यहाँ पे पीयू के पापा भी रेडी हो गए थे, हम दोनों ही मंदिर जाएंगे, फिर पीयू के पापा अपने काम से चले जाएंगे जहाँ उनको जाना होगा। चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया है लोटा, और लोटे में मैंने थोड़ा सा पानी रखा था वो भी फिल्टर वाला, और थोड़ा सा दूध डाल लिया था, और जो ये भांग धतूरा होता है ना ये सब मैं नहीं चढ़ाती हूँ, मैं इससे अच्छा पंडित जी को पैसे दे।
मेरे घर के सामने ही मंदिर है, मैं यानी कि मेरे मायके के सामने ही, और मायका मेरा एक गली बाद ही है। तो बस मम्मी और बाय चांस मैं मंदिर में आई तो मम्मी भी मंदिर में ही थी, तो मम्मी मुझे ले आई। अगर मम्मी नहीं भी मिलती ना तो मैं वापस आ जाती, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं घर भी नहीं गई थी, तो अच्छा हुआ मैं और पीयू के पापा चले गए। तो मम्मी नाश्ता बनाई रही थी तो मैंने भी मम्मी की हेल्प करा दी, पोहा बनाया था और प्याज के पराठे, जो कि हमने नाश्ता कर लिया था वहीं पर। ये देखो माँ के घर जाओ तो कुछ ना कुछ मतलब मज़ेदार हो ही जाता है। मम्मी नाश्ता बना ही रही थी तो हमने भी नाश्ता कर लिया। अब मैं घर आ गई हूँ और काफ़ी टाइम हो गया था बैठे बैठे, मेरे 12:30 बजे आई थी घर पर, 12:30 के बाद ही आई थी, 1:15 बज गया था। और अब मुझे बनाना है बच्चों के लिए दोपहर का खाना। और ये देखिए मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है, पता नहीं मैं कब लाऊंगी नया। ये ऐसी है, मैं भी फ़ोन लगाती हूँ तो ये नीचे की साइड गिर जाता है, इसकी स्प्रिंग थोड़ी ढीली हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्रिज में छानबीन करी कि क्या क्या सामान रखा हुआ है, तो वो सब मैंने निकाल के ले आई थी। तो मुझे अरबी दिखी तो मैंने अरबी बॉयल कर दी थी, और अरबी बॉयल हो गई थी तो मैंने इसको निकाल के छील लिया था। फ्रिज में आटा रखा हुआ था, एक तो मतलब आटा रखा हुआ था तो मैंने आटा नहीं गूंदा है, और 2 सब्जियाँ भी रखी हुई थी तो वो सब्जियाँ भी हम खाएँगे आज। तो बस ये सूखी अरबी बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया था, क्या कहते हैं उसको, राई डाली थी मैंने, राई और सारे बेसिक मसाले, हल्दी नमक मिर्च और ये सब डाल दिया था, गरम मसाला भी डाला था। और बिना प्याज टमाटर के ये वाली अरबी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया था मैंने ताकि जो इसका मसाला है वो भुन जाए अच्छे से, और बस ये बन जाती है ईज़िली। और जब अगर ये मेरी सब्ज़ी बच जाती है तो नेक्स्ट डे मैं इसको दोबारा प्याज से छोंक के और बच्चों को दे सकती हूँ। तो वैसे बचती नहीं है, थोड़ी सी बनी है, कभी कभार जब बच जाती है तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने गर्मा गर्म फुलके सेक दिए थे, क्योंकि टाइम तो हो ही रहा था तो मैंने सोचा देर क्या करनी है, गर्मा गर्म फुलके सेक के रख देती हूँ। और सारी किचन मैंने क्लीन कर दी थी जब तक बच्चे आए थे। तो यही वाला रूटीन रहता है मेरा मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का, फुल बिजी रूटीन रहता है। नहीं तो अभी तो मैं मम्मी के घर चली गई थी, नहीं तो अगर मैं घर पर होती हूँ तो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। तो बस इसी तरीके का रहता है मेरा दोपहर तक का टाइम, और दोपहर तक का मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी थी, पनीर की थी, और चाप की भी थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी, सैलेड कट कर लिया था। यही था आज की हमारी बेसिक सी थाली। यहाँ पे ये है पीहू रियांश जो कि दोपहर का लंच खा रहे थे, इसके बाद ट्यूशन चले गए थे, मैंने भी रेस्ट कर लिया था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।